बाय में आप लिख देंगे बैंक, एंटर करके सेव, कितना अब मिला ही बैलेंस ही, तो बताइए किस चीज की सही आ रही। सही आ रही, सही आ रही। अच्छा कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे आपके बीच, आप दोनों सही आ रही, आप तीनों भी यही आ रही, आप नहीं आए थे पीछे क्या। अच्छा क्यों क्यों सर देते आप तो पता ही चलेगा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए जब आप बैलेंस शीट पे बी प्रेस करते हैं तो एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज आती है, एक तरफ आपकी असेट आती है। अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है, तो आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये इस तरफ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर अपने असेट ज्यादा होती, लाइबिलिटीज कम होती, तब अपन को बिजनेस में प्रॉफिट होता, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस तरफ आ जाता। अभी आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्री प्रेस कर रही है, तो आपको यहाँ पे बता रहा है, और इसमें आप लोग ये टोटल देखते हैं ना, इसमें टोटल से ज्यादा डिपेंड करता है ये नेट लॉस, आपको इसमें नेट लॉस कितना हुआ आपको मैं बता रहा है। अपन को इसमें नेट लॉस हुआ है 15,200, देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है। अब इसमें 15,200 नेट लॉस क्यों आ रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं अपन इसको अल्टर एफ वन करते हैं तो ये डिटेल में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है ओपनिंग स्टॉक, अपन ने कीबोर्ड वगैरह परचेज की थी, आपने जब यहाँ पे सेल की आपने यहाँ पे कुछ माल बेच दिया, जिसमें से कुछ बेचा हुआ माल अपने पास वापस आ गया। ठीक है, टोटल अपन ने चेक किया था 96,300 का, जिसमें से माल वापस आने से अब आपके पास इनकम कुल कितनी हुई थी 92,550। फिर ऐसे कुछ खरीदा था, कुछ खरीद में अपन ने वापस कर दिया। फिर आप यहाँ आपको बता रहे, देखिए अब आपने ग्रुप बनाया था कीबोर्ड का, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा है आपको कीबोर्ड, क्योंकि आपने कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कंपनी भले खरीदी हो, ग्रुप तो आपका एक ही है ना, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। एंटर करेंगे देखिए ये आ जाएगा। हाँ इसीलिए अपन उसका ग्रुप बना देते हैं ताकि वो आपको एक ही बार शो करवाए, अगर आप ग्रुप नहीं डालेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा। फिर यहाँ पे आपको बता रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अपने लिए करना जरूरी थे वो अपन ने किए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये सब करने के बाद टोटल आपको जो यहाँ पे निकल के आता है, ये अगर इस तरफ से ज्यादा है ओपनिंग और क्लोजिंग की साइड कम है, तब आपको यहाँ पे ग्रॉस लॉस हो रहा, और अगर इस तरफ ज्यादा होता ओपनिंग में कम होता और क्लोजिंग में ज्यादा होता, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि अपन ने जितना माल खरीदा था उससे ज्यादा अपन ने बेच दिया था, इनकम हो जाएगी तो प्रॉफिट, और जितना खरीदा था उससे थोड़ा कम बेचा है तो लॉस तो होना ही था, तो यहाँ पे लॉस बता रहा। फिर यहाँ पे आपको बता रहा है ग्रॉस लॉस हो गया अपना यहाँ पे 10,200। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो अपन ने कर दिए, जिनसे करने ना करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था, फिर भी अपन ने कुछ एक्सपेंसेस किए वो आपको यहाँ बता रहा। अब ये सब करने के बाद आपको टोटल बिजनेस में नेट लॉस हो रहा है 15,200 का, आपको यहाँ पे सो हो जाएगा। जो आपका बैलेंस यहाँ पे सीडी रहता है वही यहाँ पे बीडी हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको तो यहाँ पे शो करवा देता है, आ जाएगा जैसे कर लेंगे। अब एचडीएफसी बैंक चलते, अब आप लोग क्या बोल रहे, ऐसे नहीं मतलब जैसे ऐसे नहीं होती प्रॉफिट की एंट्री, वो तो आपको वहां पे डायरेक्ट बता देता है आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, अभी तक अपन माल खरीदते हैं तो आप माल खरीदने की एंट्री करते हैं परचेज वाउचर में, अपन वहाँ पे आइटम के नाम भी लिखते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जब अपनी शॉप वगैरह रहती है, अपन उसमें कुछ माल अपना गोडाउन में रख देते हैं, कुछ अपना शॉप पे रहता है। जैसे कि आपकी शॉप है, आप आधा माल अपनी शॉप पे रखते हैं और अपन साथ में गोडाउन भी ले लेते हैं, जिसमें अपन आधा माल अपना गोडाउन में रख देते हैं। हाँ तो जब आप यहाँ पे कुछ माल अपने गोडाउन में रख रहे हैं और कुछ शॉप पे, जो अपनी शॉप होती है उसको बोलते हैं मेन लोकेशन। मेन लोकेशन मतलब मेन तो आपकी शॉप है जहाँ से आप माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, वो हो जाती है मेन लोकेशन। और अगर उसमें से कुछ माल अपन अपने गोडाउन वगैरह में रख देते हैं, तब आप इसमें एंट्री कैसे करते हैं। अभी आप देखिए जब अपन यहाँ एंट्री करते हैं,
वाउचर एंट्री F9 से परचेज वाउचर, आपने यहाँ पे लिखा नगद माल खरीद रहे हैं तो केस, परचेज लेजर में आपने डाल दिया परचेज। अब जैसे हमने आपसे बोल दिया आप HP कीबोर्ड खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन HP कीबोर्ड अपन कहाँ खरीद रहे हैं, गोडाउन वन में, मतलब जो माल आप उतरवा रहे हैं वो कहाँ उतरवा रहे हैं, गोडाउन वन में। अभी आप एंटर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे गोडाउन के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, डायरेक्ट 20D पे आता है, रेट और अमाउंट देखिए सेव हो जाता है। अभी अपन जो पहले यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन, मतलब गोडाउन अपन को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और साथ में आप देखेंगे जब अपन इन्वेंट्री इन्फो पे जाते हैं यहाँ पे भी आपको गोडाउन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, आप कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इन्वेंट्री फीचर्स देखने को मिल रहा है। आप इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे आपको ऑप्शन दे देगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, अगर किसी सिस्टम में ये आपको लोकेशन के नाम से देता है तब भी ये ऑप्शन सही है, ये लोकेशन के नाम से भी दे सकता है और गोडाउन के नाम से भी दे सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। अपन इसको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के नाम से आ सकता है, ये मेंटेन लोकेशन के नाम से आ सकता है, किसी भी नाम से दे रहे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन आप इसको यस कर देंगे और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप HDFC से बैंक जाइए, अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे तो गोडाउन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी देखिए आ रहा है यहाँ पे, पहले नहीं आ रहा था। अब आप क्या करेंगे, गोडाउन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, अपन ने बना लिया यहाँ पे गोडाउन वन के नाम से, ये एंटर किया फिर एंटर, अंडर में आपने इसको डाल दिया प्राइमरी में, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास गोडाउन दो है तो एक आप बना लेंगे गोडाउन टू के नाम से, अंडर में अपन इसको भी डाल देंगे प्राइमरी में, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसे अभी तो अपन यहाँ पे गोडाउन वन गोडाउन टू के नाम से बना रहे हैं, अपने गोडाउन के अपन जो एरिया वगैरह से नाम रहते थे जैसे सांची में है या रायसेन में है, जहाँ भी अपना गोडाउन रहता है आप वो नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बस अपने गोडाउन की पहचान होनी चाहिए अपन ने कौन से गोडाउन में अपना माल रखा है। आप HDFC से बेच जाएंगे, अब आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, अपन माल खरीद रहे हैं एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे, नगद माल है तो पार्टी अकाउंट नंबर लिख देते हैं कैश, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज। अपन यहाँ पे HP कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखा HP कीबोर्ड, देखिए अब गोडाउन का ऑप्शन दे रहा है। अब आप इसे कहाँ परचेज कर रहे हैं, आप जी प्रेस करेंगे तो देखिए गोडाउन वन गोडाउन टू अपन ने बनाया था, मेन लोकेशन अपन ने नहीं बनाया क्योंकि मेन लोकेशन उसमें पहले से क्रिएट रहता है। साथ ही आप देख रहे हैं हाँ मेन लोकेशन के सामने आपको 8 पीस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहले अपन ने खरीदे थे 10 पीस जिसमें से 2 तो बेच दिए थे या वापस कर दिए थे जो भी था, अब अपने पास टोटल 8 पीस बचे हुए हैं तो वो कहाँ पे है, मेन लोकेशन। अगर आप लोकेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी मेन लोकेशन पे है, उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप गोडाउन वन में रख रहे हैं तो आप गोडाउन वन सिलेक्ट करेंगे, कितने पीस मान लेते हैं 5 पीस, एक का रेट है 500, एंटर कर देंगे सेव, फिर एंटर करेंगे। ऐसे ही आपने माना यहाँ पे आप जेब्रोनिक कीबोर्ड खरीद रहे हैं, ये भी आप गोडाउन वन में ले रहे हैं, ये अपन ले लेते हैं 5 पीस, एक का रेट है 400, एंटर कर देंगे फिर एंटर, यहाँ पे भी आप एंटर करके और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, इतना आ जाएगा आप लोग, एंटर करके सेव हो जाएगा। अब जो माल अपन ने खरीदा इसमें से अपन माल सेल करेंगे, जब आप सेल करेंगे तो एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में, नगद माल है तो पार्टी अकाउंट नंबर लिख देंगे सेल्स, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स। अब यहाँ पे अपन HP कीबोर्ड सेल्स कर रहे हैं, जैसे ही आप अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बता रहे कितने पीस है 13, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बता रहा आपके पास मेन लोकेशन पे कितने हैं 8 पीस, गोडाउन वन में कितने हैं 5 पीस। अगर आप इसे गोडाउन वन से सेल कर रहे हैं तो गोडाउन वन सेलेक्ट कर लेंगे, मेन लोकेशन से कर रहे हैं तो मेन लोकेशन। अब ज्यादातर तो अपन मेन लोकेशन पे पहले माल सेल करते हैं, गोडाउन से कब करते हैं, जब आपने देखा होगा अपन अपना माल गोडाउन में रख देते हैं और वो माल अपने पास मेन लोकेशन पे नहीं, कस्टमर लेने के लिए आए तो डायरेक्ट आप गोडाउन से लाके और उन्हें सेल कर देते हैं, तब आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे गोडाउन। अभी अपन डाल देते हैं मेन लोकेशन, कितने पीस सेल कर रहे हैं 5 पीस, एक का रेट 700, एंटर करके आप इसे सेव कर देना।